जय हिंद, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल पोल पोस्ट। अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश के सिंगरौली राज्य के बैरंज क्षेत्र में रामलीला मैदान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ की सभा को संबोधित भी किया। साथ में यहाँ पर कई सारे नेता, बात की जाए सीधी सांसद रीति पाठक जी मौजूद थी और भी कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। इस सभा के बाद सभा का प्रारंभ जब हुआ था तो बात की जाए तो जनता की भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन उसके अंत में यहाँ पर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति भी थी और लोगों ने राजनाथ सिंह के संबोधन को सुना भी और जोर शोर से जय जयकार भी किया। लोगों से हम बात करना चाहेंगे, पहले महिलाएं लोग आप लोग हमसे बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आई? खटखरिया से। कहाँ से आई? खटखरिया से। तो कैसा लगा आप आज का आप लोगों ये पूरा का पूरा कार्यक्रम? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग किसको वोट देने के लिए जाने वाले हैं? अब क्या बताएं, अब जिसका इच्छा करेगा उसी को देंगे, अब तो वोट पड़ी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं जी, आप भी सभा में मौजूद थे आज के इस पूरे पूरे कार्यक्रम में। आज का क्या आपको अनुभव मौजूद हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। राजनाथ सिंह जी ने यहाँ की सभा को संबोधित किया तो शुरुआत में यहाँ पर भीड़ कम थी लेकिन एकाएक पूरी भीड़ बढ़ी, क्या समझ में आता है इससे? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा लगा हमको। तो लगता है कि इस बार सिंगरौली में कुछ बदलाव आने वाला है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। आप कहाँ के हैं? तेलदा। तेलदा के मतलब बरगमा से। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़कें हैं, प्रदूषण, इन सब पे भी कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा, सब अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं बदलाव होगा। चलिए, मतलब आपको उम्मीद है और आप यहाँ पर कई सारे लोग हैं, मैं उन सब से भी बात करना चाहूँगा। देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जी। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार जायसवाल। आज की इस सभा में जो राजनाथ सिंह ने संबोधित किया सबको, कैसा लगा आपको और क्या इससे समझ में आता है? अच्छा समझ में आता है यही कि मोदी जी अगर फिर से केंद्र में आते हैं तो विकास बढ़ेगा और हमारा देश तरक्की के तरफ अग्रसर होगा। तो यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है, सड़कें, प्रदूषण, लगता है कि इन सब में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं यदि मोदी की सरकार आती है जैसा? जी, बिल्कुल बिल्कुल बोले, बिल्कुल बदलाव होगा निश्चित है। प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए तो कुर्सियाँ खाली थी लेकिन उसके बाद एकाएक पूरी कुर्सियाँ भर गई और जनता ने जोरों शोरों से नारे भी लगाए, तो लगता है कि जनता का दिल जीत लिया है। आज के जो गृह मंत्री, आज यहाँ के चीफ गेस्ट भी थे। जी जी, देखिए, जनता अगर यहाँ आने के लिए अगर कोई दिक्कत, आधे लगता है कि आधे कुर्सियाँ खाली हैं तो उसका कारण भी है, घर में गेहूं की कटाई है और घरेलू काम के वजह से लोग बाग नहीं आ पाए, लेकिन जितना भी आए हैं उसे यही लगता है कि कार्यक्रम सफल हो गया है। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चारों ओर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं। आखिरी में हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से? बैठन से हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं? कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको? तो आपको क्या बेहतर क्या लगा आज के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आज के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के बारे में? पूरा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था और हमारे जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने जो हम सबको बताए उससे ऐसा लगा कि वास्तव में हमारे भारत का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो एक बार फिर मोदी साहब को ज़रूर आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग पूरी ताकत से मोदी जी को एक बार फिर लाने के लिए रीति पाठक को जिताएंगे। मतलब मोदी जी को लाने के लिए रीति पाठक को जिताएंगे, ऐसा आपने कहा। और आप बेसिकली कहाँ से? क्या आप कहाँ से? मैं ग्राम हररहवा से हूँ और विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली से। जी, चलिए, आपको लगता है कि देश को मतलब चाहिए तो मोदी की ज़रूरत है इस बार? जी जी, मोदी की ज़रूरत है इस बार। जी जी, मतलब मोदी का चेहरा देख करके लोग अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? जी, जो हमारे भारत देश को पूरी तरह से एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी तरह से मोदी को देख रहे हैं। हम लोग प्रत्याशी कम देख रहे हैं, सीधे मोदी जी को देख रहे हैं। देखा जाए तो जनता ने ये साफ कह दिया है कि प्रत्याशी का चेहरा देख करके लोग चुनाव नहीं देंगे, अपना मत नहीं देंगे, मोदी को देख करके अपना मत देंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।